But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू द जिमेडी न्यूज़। तो गाइस, टॉम हॉलैंड ने अभी हाल ही में अपनी मूवी का टाइटल रिवील करा, बट केविन फाइगी ने उसे एक्सप्लेन किया है। वो एक्सप्लेनेशन काफी कमाल का है। तो सबसे पहली न्यूज की बात करते हैं, तो टॉम हॉलैंड ने अपने इंटरव्यू में बोला कि वो वेनम से फाइट करना चाहते हैं, बट इन फ्यूचर तो शायद बेबी इनकी डील हो सकती है सोनी और मार्वल की। और दो घंटे पहले न्यूज आई है कि जैक ने कन्फर्म कर दिया है कि वो अभी खुद ऑफिशियली कन्फर्म नहीं है कि वो मिस्टीरियो का रोल करेंगे स्पाइडरमैन 2 में। देन उसके बाद केविन फाइगी की एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। तो केविन फाइगी ने बोला है कि टॉम हॉलैंड ने जो टाइटल रिवील्ड करा है वो एकदम रियल है, और देन उसके बाद वो मूवी का ऑफिशियली नेम है फार फ्रॉम होम। वो टाइटल कुछ इस तरीके से है कि जब पीटर पार्कर अपने घर लौटेगा तो आंट में उससे सबसे पहले पूछी कि बेटा तुम कहाँ पढ़ते, तो पीटर पार्कर बोलेगा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ न्यूयॉर्क लंदन घूमने गया था। जब वो वापस आया तो वो टाइटल उसकी पूरी थीम पर है, और उसमें दिखाएंगे कि पीटर पार्कर मरने के बाद जब लौटा तो उसने क्या क्या देखा, उसकी लाइफ में कितने चेंजेस आए। तो वो सिर्फ एक बहाना होगा घूमने का, ट्रिप का। जी हाँ, और देन आप सभी को पता है कि वो ट्रिप कैसी थी, जिसमें कि पीटर पार्कर टाइटन पे गया, मर भी गया और जिंदा होने के बाद वापस आया और दुनिया को बचाया। तो ये है वो एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो नहीं देख रहे, या तो उस पर वल्चर के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।